आज 18 मार्च 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 18 मार्च 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे होते हैं, जो टॉप आते हैं, वो ध्यान देते हैं इस बात के ऊपर कि कौन सा अभ्यास उन्हें मेरिट में लेकर आएगा या बाबा के शब्दों में पास विद ऑनर कराएगा। मुझे याद आ रहा है जब हम प्रोफेशनल कोर्सेस में थे, MBBS या डॉक्टरी की पढ़ाई में सिलेबस किताबें बहुत बड़ी होती है। हमको फर्स्ट ईयर में एक एनाटॉमी का बुक है, ग्रेज एनाटॉमी, वो कितने किलो का होता है, अगर वो लेके रात को आप सो जाओ तो उठना मुश्किल है सुबह। तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर बहुत किताबें होती है, और पूरी पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती थी जब हम थे। आज अभी का तो हमको पता नहीं, थोड़ा ओरिएंटेशन दिया जाता था, बाकी पढ़ना हमको है। तो एग्ज़ाम के वक्त, अभी तो जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि बच्चों की कैपेसिटी कम होते जा रही है। ये तो मोबाइल ने और ही पैरालाइज कर दिया है इन अ वे कि पहले हमको कोई भी रेफरेंस चाहिए रहता है तो लाइब्रेरी में जाना पड़ता था और किताबें ढूंढ ढूंढ के निकाल कर उसके नोट्स बनाने पड़ते थे। अभी ऐसे नहीं रहा है, अभी सब एक क्लिक ऑफ बटन पे सब कुछ मिल जाता है, ओपन सोर्स है। मुझे याद है मैं मुंबई में, अभी विदेश की किताबें बहुत महंगी होती है तो हम लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेते थे, ब्रिटिश लाइब्रेरी मुंबई में। तो यहाँ से घर से उधर जाना, वहाँ पे दिन भर बैठना, लाइब्रेरी के नोट्स लेना, कुछ किताबें लेना, क्योंकि ये सब किताबें हम खरीद नहीं पाते थे। तो ये सब किया। इवन एग्ज़ाम के वक्त मुझे याद आ रहा है कि MBBS में पासिंग मार्क्स 50% होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में। ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 90-100% कैसे मार्क लाते हैं हमको नहीं पता, लेकिन आप पुराना जो पढ़ाई का तरीका था वो डिस्क्रिप्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। माना आपको इसे लिखने पड़ते थे और इसे या निबंध में आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वैसे नहीं था एक वाक्य में, या आजकल जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, चार में से एक चुनो, तो इसे लिखना होता था। तो मुझे याद आ रहा है कि लोगों को फर्स्ट क्लास मिला तो भी समझते थे ये बहुत ब्रिलियंट है व्यक्ति। उस जमाने में फर्स्ट क्लास लाना भी बहुत बड़ी बात थी, 60% के ऊपर।
आप सोचो, अभी तो 90-100 के नीचे बात ही नहीं करते, कुछ लोगों को 100 के ऊपर भी जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के मार्क्स लेकर। ये बातें मैं क्यों सुना रहा हूँ कि एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, मुझे याद है फाइनल एमबीबीएस के लिए हमने 30 साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे। 30 साल में कौन से प्रश्न पूछे गए? क्योंकि अगर एक प्रश्न का जवाब भी नहीं आया, एक या दो का, तो हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला नियम ये है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न शॉर्ट नोट छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करना है, लिख के आना है। तो हम 30 साल के प्रश्न क्यों देखते थे? क्योंकि हमको एक पैटर्न दिखाई देता था कि यूनिवर्सिटी ये प्रश्न पूछने के चांसेस ज़्यादा है। कोई ऐसा एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, वो अगर कोई है ऐसा, तो गलती से बहुत रेयर बातें पूछ लेता। उस समय बहुत मुश्किल हो जाता था, तो डर लगा रहता था फेलियर का। तो ये मेहनत हमने एमबीबीएस में किया है, ऐसे ही बाकी के प्रोफेशनल कोर्सेस में भी मेहनत तो है। आईआईटी है, आईसीएस की पढ़ाई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई है, बहुत मेहनत होती है। और वहाँ पे अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर कोई आया, माना हमको प्रैक्टिकल में पास होना होता है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछ रहा है, तो आप निश्चिंत ही जाने वाले हो। तो आप देखो, एक छोटी हद की पढ़ाई जिसका कोई गारंटी नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। बहुत अच्छा मेडिसिन का नॉलेज था, बहुत लोगों को सिखाया, स्टूडेंट को, साथ वालों को सिखाया, लेकिन जब प्रैक्टिस करने आए तो पेशेंट नहीं आ रहे। तो एक जन्म का गारंटी नहीं है पढ़ाई का, और यहाँ पे पूरे कल्प का गारंटी है, पास विद ऑनर हो सकते हैं। और उसकी विधि आज बाबा ने बताई है, लेकिन वंडर है कि इतना सब स्पष्ट बताने के बाद भी हो नहीं रहा है। स्वयं भगवान ज्ञान का सागर कह रहा है कि ये मेहनत का काम है, और इसी से पास विद ऑनर बनेंगे। तो बाबा ने आज स्पष्ट विधि बताई है कि क्या करेंगे तो हम पास विद ऑनर बन सकते हैं। ऑनर माना सम्मान के साथ पास होंगे। तो उसकी विधि बाबा ने कहा, कर्म बंधन से अतीत बनो, जिसको कहा कर्मातीत। कोई भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करे। तो प्रश्न उठता है कि कर्म बंधन कैसे उत्पन्न करता है? फिर बाबा ने कहा, जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो, बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रुकुटी में देखो, और उच्च पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। हम जब क्लास में या नोटबुक पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। आज भी कई बाबा के बच्चे मुरली का जेरोक्स रखते हैं, तो पेन लेकर बैठते हैं और मुरली के जेरोक्स के ऊपर ही अंडरलाइन करते हैं। कई लोग नोटबुक में लिखते हैं पॉइंट और उसको अंडरलाइन करते, रिवाइज करते हैं। तो हमको अगर लक्ष्य हमारा ऊंचा है कि मुझे पास विद ऑनर बनना है, तो ये मेहनत करना पड़ेगा। पहले कर्म बंधन कैसे बनता है? तो बाबा ने सिंपल भाषा में कहा कि बॉडी कॉन्शियसनेस में किया हुआ कर्म बंधन बन जाता है, और कर्म बंधन से मुक्त है उसकी निशानी क्या है? तो कर्म बंधन मुक्त वाली आत्मा हल्की रहेगी, बिल्कुल हल्की रहेगी, जैसे कुछ किया ही नहीं। जैसे सिंपल भाषा में अगर बताए कि अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो बाबा मुरली सुना रहा है बच्चों को, बच्चों को दृष्टि दे रहा है, लेकिन बाबा बिल्कुल न्यारा और प्यारा है, चेहरे पे बोझ नहीं है, थकावट नहीं है, प्रसन्न मुद्रा है। ये है कर्म बंधन मुक्त आत्मा की निशानी।
तो चेक करना चाहिए कि मैं दिन भर में कौन सी अवस्था में रहता हूँ। जो भी कर्म हम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, या खाना बना रहे हैं, या ऑफिस में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कर्म करते समय मैं बंधन कैसे उत्पन्न करता हूँ, तो उसका तरीका ही बाबा ने बताया। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे सोल कॉन्शियस बनने के बजाय कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। और जब कर्म कर रहे हैं तो शरीर देह समझ के कर्म करते हैं, किसी देहदारी से बात कर रहे हैं तो देह को ही देखते हैं, तो ये सब बातें बंधन उत्पन्न करती हैं। और इसका सॉल्यूशन बाबा ने बताया है कि सारथी बनकर चलो। बाबा ने ये मुरलियों में बताया कि ब्रह्मा बाबा ने नंबर कैसे लिया, तो ब्रह्मा बाबा का आत्मा का पार्ट बहुत पक्का था, और ब्रह्मा बाबा हमेशा ये अटेंशन रखते थे, मम्मा भी अटेंशन रखती थी, दोनों के पुरुषार्थ से हमको सीखना है। जैसे मम्मा कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, हुक्म है परमात्मा का और वो मुझे चला रहा है। जो ब्रह्मा कुमारी का गीत बना है, हमारे आदरणीय अस्मिता बहन जी ने गाया है कि चलाने वाला चला रहा, कराने वाला करा रहा, और करनहार हम किए जा रहे। ये जो टेक्निक है, बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है। डायमंड जुबली में डायमंड बनाने के लिए बाबा ने कहा था कि करन करावन हार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो, माना कर्मों के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। जब आप ये सोचेंगे कि करण करावन हार बाबा है और मैं निमित्त हूँ, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे उठा रहा है, बाबा मुझे सुला रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मुझे पिला रहा है, हर वक्त बाबा बाबा ही मेरे द्वारा करा रहा है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, और आज का इंसिडेंटली स्लोगन भी इसी के ऊपर है। बाबा ने कहा कि बाप को साथ में रख कर कर्म करेंगे तो डबल लाइट बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी मानते हैं कि माया को जीतना कठिन है, माया को जीतना कठिन है। वो तो कहते सब माया है, जो भी दिखाई देते हैं सब माया है, आप माया की दुनिया में ही हो, बाहर भी माया है, अंदर भी माया है, तो बचना मुश्किल है। केवल एक ही व्यक्ति आपको बचा सकती है, वो है शिव बाबा, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर। जब उसके साथ कंबाइंड रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं है वार करने के। अभी इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि मुझे ये कर्म बंधन शब्द बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। जब भी मैं कभी दुखी होती हूँ या भारीपन का अनुभव करती हूँ, मूड ऑफ है, तो ये कर्म बंधन है। ये बंधन को काटने के लिए आध्यात्मिकता में साधना करते हैं वो लोग, भक्ति मार्ग में तो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है भक्ति मार्ग में, उसको भी खोलना है अच्छी तरह से। अभी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में क्या फर्क है, और एक ने शब्द पूछा ये अनात्मा क्या होता है। आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो चक्कर काटते रहोगे, क्योंकि हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार इसका अर्थ बताते रहते हैं। कुछ लोग आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये तीनों को अलग बताते हैं। अभी परमात्मा अलग है ये समझ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है,
इतना कंफ्यूजन है कि अगर आप ये पढ़ने जाओ तो बुद्धि भटक सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाहर की बातें आप सुनेंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस है। बाबा ने ये भी कहा है कि जो भारतवासी है उनको समझने में मेहनत है, विदेश वाली जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है जैसे भारत में। भारत में ये जो पढ़ी सुनी बातें हैं ये इंटरफियर करती है। तो बाबा कहता है अगर किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े तो अहो सौभाग्य है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा कि इस शास्त्र में ऐसे लिखा है, फलाना ऐसे कहता है और बाबा ये कहता है, और उसमें डाउट आ सकता है। जैसे एक इंस्पेक्टर भाई, अभी हम गुजरात में थे, अभी वो बहुत सालों से ज्ञान में है, उस समय अव्यक्त बाप दादा आते थे हर 2 दिन के बाद। तब उन्होंने देखा कि बाबा ऐसे बात कर रहे जैसे घर में कोई माँ बाप अपने बच्चे से बात करते हैं, हर एक को बहुत टाइम देते थे बाबा। तो इस आत्मा के अंदर संशय उत्पन्न हो गया, भगवान जिसको पाने के लिए इतनी साधना करनी पड़ती है, जंगल जाना पड़ता है, कितने जन्म जन्मांतर की साधना के बाद भगवान की प्राप्ति बताते हैं, और यहाँ पे भगवान इतना साधारण रूप में मिल रहा है, तो उसके अंदर संशय उत्पन्न हो गया। कहते भगवान इतना साधारण कैसे मिल सकता है, भगवान को मिलने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो ऐसे संशय अंदर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग की बातें और ज्ञान मार्ग की बातों में बहुत सारा अंतर है। जैसे आज बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में दिखाते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा कह रहा है कि शंकर कोई ज्ञान का सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। तो ये बंधन हमको काटना है, अभी बार बार बंधन है बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पास ये भी भाई बहने आते कहते बंधन है घर में ऐसी समस्या है, अभी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, कलयुग है, अंतिम जन्म है, तो कोई ना कोई पेपर तो आएगा ही हमारे पास। किसी को संबंधों में तनाव है, घर में रिश्ते ठीक नहीं है, किसी को बीमारी है, शरीर की बीमारी या मन की बीमारी है, या किसी को आर्थिक समस्या है, धन की तंगी है, कोई ना कोई तो बात रहेगी। कलयुग माना कलह, तो ये कलह तो होगा, लेकिन बार बार ये बोलने से बंधन है हम ठीक तो नहीं होंगे ना। मैं बीमार हूँ बोलने से बीमारी तो जाएगी नहीं ना, उसका इलाज करना चाहिए। तो अपने बंधन को काटना सीखना है। अपने बंधन को कैसे काटेंगे, तो अपने बंधन को काटने का बहुत सरल तरीका, जैसे भक्ति मार्ग में वो कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी पेपर आते हैं, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है भक्ति मार्ग का। हमको अच्छी बातें सब जगह से उठा लेनी चाहिए जिससे हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो। तो वो समझते जो भी हो रहा है ये भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम परमात्मा से सच्चा प्यार करते हैं, एक हमारे वरिष्ठ भ्राता थे पंजाब जोन के निमित्त थे अमीरचंद भाई, उन्होंने मधुबन में क्लास उनका रखा था, तो उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं क्रोध को जीतना मुश्किल है, बाबा ने कह दिया कि बच्चे क्रोध नहीं करना है, खत्म, मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। ये है जब आप किसी से प्यार करते हो उसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो जाते हो। बाबा ने कहा बात खत्म हो गई, उसके आगे कोई प्रश्न नहीं है, माना मुझे मरना है उसके बाद में सहन करना है। बाबा कह रहा है कि बच्चे ग्लानि करने वाले को गले लगाओ, अपकारी के ऊपर उपकार करो,
जो आपको गाली दे उसके ऊपर फूलों की वर्षा करो। तो बाबा ने कहा माना फाइनल, उसके बाद प्रश्न नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं क्यों मरूं, उसको भी तो मरना चाहिए। ये है प्यार के ऊपर न्योछावर जाना, और ये हमारे दादियों ने करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। कहने का मेरा भाव है कि कर्म बंधन को काटो। मैंने ये सवाल आदरणीय जगदीश भाई को भी पूछा था कि कर्म बंधन को कैसे काटना है, ये मेरे ख्याल से 98 की बात है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा लोहा लोहे को काटता है, ऐसे कर्म ही कर्म को काटता है। पास्ट में जो भी कर्म हुए है उसको आप कुछ नहीं करो, आप श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, बाबा की याद में कर्म करते जाओ, तो पुराने कर्मों का बोझा कम होते जाएगा। तो इसके ऊपर चिंतन करना है कि मेरा कर्म बंधन मैं कैसे काटूं, क्योंकि बगैर याद की यात्रा धारणा और खुशी हो नहीं सकती है। आज तो बाबा ने हमको वैरायटी दिया हुआ है। बाबा ने कहा कि आप सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो, सभी टाइटल हमको लागू पड़ते हैं। इस समय जितने भी है वो सब हमसे लागू पड़ते हैं। सर्जन है क्योंकि बाबा आत्मा की बीमारी को ठीक करता है, तो हम मास्टर सर्जन हैं। सराफ है माना हम हीरे मोती वाले हैं, हम अपने आप को तराशते हैं तो दूसरी आत्माओं को भी हीरे समान चमकाने के निमित्त है। धोबी है क्योंकि आत्मा रूपी मैले वस्त्र को साफ करता है बाबा, हम भी वैसे ही है। ऐसे बाबा के बच्चे जो बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, वो रुंड माला से रुद्र माला के अधिकारी बन जाते हैं। अभी ये दो शब्द है आज के मुरली में। बाबा ने आज विशेष ये भी बताया है कि विचार सागर मंथन करके ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले, ये है तुम्हारी यूनिटी। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने कई बार मुरलियों में इसके ऊपर फोकस किया है कि हमारी विजय यूनिटी में है। दो शब्द बाबा ने दिए थे, प्यूरिटी और यूनिटी। ब्रह्मा कुमारी की विजय प्यूरिटी और यूनिटी में है, और ये यूनिटी दुनिया में मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर एक बाबा की वजह से सभी बच्चे यूनिटी में चल रहे हैं। अभी आप इसको सोचो, दुनिया में एक घर में दो लोग आपस में यूनिटी से नहीं चल सकते, मुश्किल है, क्योंकि कलयुग है, हर एक इंडिपेंडेंट चलना चाहते हैं। कई लोग होते हैं वो किसी के साथ मिक्स नहीं होते, वो सोचते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड अलग है, हम इनके साथ मिलेंगे नहीं, ऐसे होते हैं लौकिक में। लेकिन यहाँ पे बाबा के बच्चे यूनिटी में चल रहे हैं, और ये यूनिटी ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि इंडिविजुअल दाना तैयार है माला का मन का, लेकिन जो शास्त्रों में गायन है महारास का, ये महारास कौन सा है? तो ये है संस्कार मिलन की रास। और बाबा ने इशारा दिया था कि दाना दाने के नजदीक आएगा तभी माला बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूनिटी के साथ जुड़ी हुई है। जो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट चलेंगे, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि आप अकेले राज्य में नहीं होगे, आपकी प्रजा होगी, रॉयल फैमिली होंगे, राज्य किस पर करेंगे? इसलिए संगठन की शक्ति का बहुत महत्व है। बाबा ने कहा बाप से सर्टिफिकेट लेते हो, खुद का सर्टिफिकेट, लेकिन ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट भी चाहिए। और ये तभी होगा जब हम रियल गोल्ड बनेंगे, जिसकी निशानी है मोल्ड होंगे हम। मोल्ड माना फ्लेक्सिबल रहेंगे। हमें दिखाई देगा कि बाबा के बच्चे भी नंबर वार है, जैसे कल के मुरली में शब्द आया था, नंबर वन नहीं है, और ये होना भी जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि
क्योंकि राजधानी में सभी प्रकार की आत्माएं होती है, सभी राजा नहीं बनेंगे, कुछ राजा बनेंगे, कुछ रॉयल फैमिली में आएंगे, कुछ साहूकार बनेंगे, कुछ रॉयल प्रजा बनेंगे, कुछ रॉयल प्रजा की भी प्रजा बनेंगे, कुछ चांडाल होंगे, तो ये सब कैटेगरी है। तो मुझे यूनिटी में चलना है, मुझे यूनिटी बनाए रखनी है। डिस यूनिटी, ये शब्द आज बाबा ने इस्तेमाल किया है, डिस यूनिटी। तो डिस यूनिटी में नहीं जाना चाहिए, दुनिया में डिस यूनिटी में है, लेकिन हमको यूनिटी में चलना है। तो अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या मैं माला का मन का बनने के लायक हूँ? क्या मैं सबके साथ मिलके चलता हूँ? क्या मतभेद होते हुए भी मैं हर एक को सम्मान देता हूँ? बाबा ने एक सम्मान दिया था, सम्मान दाता बनना है। जैसे बाबा ने ये नहीं देखा कि मेरा ये बच्चा देवी देवता कुल का था, अंतिम जन्म में ये कितना पतित बन गया। बाबा ने सम्मान की नज़र से देखा हमको। ऐसे हमें भी अगर बाप समान बनना है तो हर एक आत्मा को सम्मान की नज़र से देखना है। ये है यूनिटी। टॉपिक निकालना है। अब ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे बोलना था लेकिन समय कम पड़ेगा। काल पर विजय, विक्ट्री ओवर टाइम। अभी लोग कहते हैं समय समय के वश है हम, समय अच्छा है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते। पूरा पावर उन्होंने समय को दिया है। और बाबा कहता है काल के ऊपर विजय प्राप्त करो। यहाँ पर भाव ये है कि कलयुग में अकाले मृत्यु होती है, तो अकाले मृत्यु नहीं हो उसको कहते हैं काल पर विजय। जिसको बाबा ने आज कहा सन्यासी के एग्जाम्पल से, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, और जब ऐसे ब्रह्म योगी शरीर छोड़ते हैं तो वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा ने आज याद किया है। तो हमको बाबा ऐसे बना रहे जिससे काल के ऊपर विजय प्राप्त हो, विश्व में शांति हो। ये सब पॉइंट है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। रुंडा मुंडा शब्द कहते हैं, रुंडा माला माना मुंडा माला, रुंडा मुंडा ये पूरा शब्द है। तो सिर की माला ये रुद्र की माला बनती है परम धाम में, और वही विजय माला बनती है। आज बाबा ने विशेष एक स्लोगन दिया है जो हम याद में रख सकते हैं, बहुत सुंदर स्लोगन है। करो सेवा तो मिले मेवा, सेवा करो तो मेवा मिलेगा। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा करते हैं उन्हें अतींद्रिय सुख शक्तियाँ खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है, और इसके अधिकारी हम बाबा के बच्चे ही हैं। इसलिए बाबा ने स्लोगन दिया। ये सब स्लोगन हमारे बुद्धि में फिट हो जाने चाहिए। जैसे आज का है करो सेवा तो मिले मेवा, ऐसे ही है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। बाबा ने आज कहा पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए, ये हर ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है। ऐसे जो ईश्वरीय सेवा करते हैं वो ईश्वरीय फल के अधिकारी बन जाते हैं। तो अटेंशन रखना है कि मैं क्या ईश्वरीय सेवा से मेवा का अधिकारी हूँ? बाबा हमारे अंदर इतनी सारी खूबियाँ भर रहे हैं, क्या मैं वो खूबियों से अपने अंदर की खामियों को निकाल रहा हूँ? कहीं मेरी दृष्टि इविल बातों के ऊपर तो नहीं जा रही है? आज फिर से बाबा ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। तो पूरा मुरली आज दिन भर में हम चाहेंगे कि इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे कि मुझे पास विद ऑनर बनना है। तो पास विद ऑनर बनने के लिए एक अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना है, आत्मिक दृष्टिवृत्ति की। आत्मा है भाई, भाई का संबंध पक्का हो जाएगा तो नेचुरली स्नेह अपने आप आएगा। और एक ही टॉपिक लेके उसके ऊपर चिंतन करना है, सब जगह पे एक टॉपिक चले।
अभी तो हम ब्रह्मा कुमारीज एक थीम लेकर चलते हैं, उस थीम के ऊपर पूरे भारत में सेवाएं होती है। ये तब से चालू हुआ जब बाबा ने हर साल को एक ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने को कहा, जैसे डायमंड जुबली, फरिश्ता वर्ष, फिर मुक्ति वर्ष, जीवन मुक्ति वर्ष, ऐसे एक ही टॉपिक पर चलेंगे तो वैसे वायुमंडल में वाइब्रेशन होंगे और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।